हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो हम शॉर्ट में पहले थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर ये इवेंट क्या था तो ये जो हाई डाइट इवेंट था वहाँ पे हमारा एक नया इवेंट आया हुआ था रेपर विश वाला और यहाँ पे हो क्या रहा था अगर आप स्पिन करते हो तो ये बंडल वगैरह तो निकल ही रहे थे इसके अलावा आपके डायमंड इंक्रीज हो रहे थे मतलब स्पिन करने पर अगर आप बीस का स्पिन करोगे तो आपके बीस डायमंड आपके अकाउंट में और बढ़ जाएंगे कटने के बजाय तो यहाँ पर यही कुछ हो रहा था जिसकी वजह से काफी सारे बंदों ने स्पिन कर करके मतलब आपके लाखों में डायमंड ले लिए थे यहीं से और अपनी जो गन्स वगैरह थी वो गन्स उनको मैक्स कर लिया था या गिफ्ट स्टोर से गिफ्ट कर लिया या फिर कुछ खरीद लिया इस तरीके से यहाँ से डायमंड को परचेस करके उसको उड़ा भी दी डायमंड को मतलब लाखों में डायमंड उन्होंने यहां से फ्री में ले लिए और उनको खर्च भी कर दिया अब ये जो इवेंट है ये अभी हमारे इंडियन शर्म में से जा चुका है मतलब हाइड आउट इवेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया फ्री फायर वालों ने अब ये जो इवेंट था ये दूसरे सरों में आने वाला था लेकिन गलती से हमारे इंडियन सर में आ गया था इसी वजह से ग्लिच हुआ था और ग्लिच की वजह से काफी सारे बंदे को फ्री में डायमंड मिल गए थे लाखों में और उन्होंने अपनी गन्स वगैरह को मैक्स भी कर लिया था क्योंकि देखो ईवो गन में ही काफी ज्यादा डायमंड खर्च होते हैं तो बहुत सारे बंदों ने जितनी भी उनके पास ईवो गन्स थी उनको भी मैक्स कर लिया था तो अब होगा क्या देखो सबसे पहले जैसे डायमंड मिले थे आप लोगों को तो जिन्होंने भी यूज नहीं किए थे उनके डायमंड तो कट चुके हैं लेकिन जिन बंदों ने मतलब कि पचास हजार साठ हजार डायमंडी अपनी गन को मिक्स कर लिया आखिर अब उनका क्या होगा क्योंकि उनके जो डायमंड एक्स्ट्रा डायमंड थे वो तो रिमूव कर लिए लेकिन पचास साठ हजार डायमंड का क्या होगा क्योंकि फ्री फायर वाले देखो डायमंड बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं तो इसके बारे में आपको बताऊंगा लेकिन आपके आगे अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि देखो अभी आधी अधूर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको और भी दे दूंगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अभी के लिए आपको थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि देखो अगर जिन बंदों ने यूज नहीं क्या ना, उनको काफी बिल्कुल टेंशन फ्री रहना जिन बंदों ने यूज कर लिया है वो डायमंड को यूज नहीं किया था उनके डायमंड कट चुके वापस फ्री फायर ने ले लिया है तो उनको भी कोई टेंशन नहीं उनकी आईडी बैन नहीं होगी लेकिन जिन बंदों ने डायमंड लिए थे लाखों में डायमंड लिए थे उसमें से डायमंड को यूज कर दिया अपनी गन को कर लिया कुछ भी कर लिया है तो अब फ्री फायर वाले उन पर एक्शन जरूर से लेंगे उन्होंने कहा भी है तो उन्होंने यहां तक कन्फर्म किया मतलब इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि फ्री फायर वाले उस पर एक्शन जरूर लेंगे अब आईडी बैन होगी या नहीं होगी यह सिर्फ कन्फर्म नहीं हुआ लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे या तो फिर आप जो भी काम किया है जो भी कांड किया उस डायमंड से आप अपनी वो गन को मिक्स किया है तो फिर उसको हटा लेंगे या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर से करेंगे अब देखते हैं आगे क्या करते हैं देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करना लेकिन जिनका कटा डायमंड उसको तो वापस से देखो व्यापार से रिमूव कर देंगे लेकिन जिन बंदों ने यूज कर लिया अब उसका क्या होगा तो उसका तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ फ्री फायर वालों के पास यही रास्ता है कि अगर कम बंदों ने यूज़ किया है तो वो धीरे धीरे करके सभी आईडी चेक करके वहां पे जो भी चीज़ उन्होंने यूज की होगी उसको रिमूव करके वापस से उसको सेम वैसा का वैसा कर देंगे जैसे कि ईवो मैक्स की होगी तो उसको सेम वैसा लेवल वन पे लेवल टू पे कर देंगे लेकिन बहुत सारे बंदों ने अगर इस ग्लिच को यूज़ किया होगा उनकी लिमिट से ज़्यादा तो फिर हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है या फिर आपकी आई भी बेन हो सकती है लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पर यह कन्फर्म नहीं हुआ है जैसे कुछ कन्फर्म होगा मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर कर दूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अभी के लिए इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि आपके जो डायमंड थे वो काट लिए जाएंगे जितने भी आपने डायमंड एक्स्ट्रा वहाँ से लिए थे इसके अलावा आपकी आई पे कोई ना कोई एक्शन जरूर से लिया जाएगा या तो आपके पास में जितना भी ने काम किया था मैक्स वगैरह की थी तो उसको आपस से रीसेट कर दिया जाएगा या फिर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिल सकती है अब वो आगे ही पता चलेगा कि आखिर होता क्या है